हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आप लोग के लिए सीधा पहला फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ, टफ फॉर जूनियर जो ब्रांड है मनीष मार्केट में। तो मैडम का तो ऑलरेडी आपको जानते ही है, मैडम का ये तीसरा वीडियो यहाँ पे। तो मैम ने पहले कहा है कि हम यहाँ के पहले फैक्ट्री को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि फैक्ट्री में काम कैसा होता है, पूरा मैम हमें समझाएंगे। और उसके बाद फिर जो ये प्रोडक्ट है, आज हम लोग दुकान पे नहीं जाने वाले, फैक्ट्री से काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये कहीं से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और अपने ब्रांड का बनवाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने फैक्ट्री में सीधा इस बार विजिट किया है, फैक्ट्री में पूरा काम दिखाने वाले, कैसा काम होता है, कैसे चेकिंग होती है, क्या क्या है, पूरा मैम से जानेंगे। तो मैम एक बार गो थ्रू करवा दीजिए अपनी फैक्ट्री का, टॉप और जूनियर का। वेलकम टू एवरीवन। मैं बताना चाहूंगी कि अपना फैक्ट्री साइन में लोकेटेड है और अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसा है, मैं वो पूरा डिटेलिंग में दिखाने वाली हूँ। बढ़िया, मैं आ जाता हूँ कैमरे के पीछे और फिर मैडम दिखाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं दिखाना चाहूंगी कटिंग डिपार्टमेंट जी, जो इस तरफ है। यहाँ पे पूरा कपड़े का लेयर वगैरह, कटिंग वगैरह सब यहाँ पे होता है। अच्छा, ये पूरा फ्रेम वगैरह ना मैम? हाँ, ये फर्मा। यस, ये टेक्नोलॉजी यूज करके अपन ने कंप्यूटर थ्रू सब फर्मा बना के डायरेक्टली यहाँ पे कटिंग होता है। मतलब साइज में कोई चोरी नहीं होती हमारे यहाँ? नहीं, फ्री साइज ही मिलेगा और परफेक्ट रहेगा। बढ़िया। तो ये जो लेयर लगी है ना गाइस, ये इसका एक बड़ी इम्प्रिंट मशीन आती है, काफी महंगी रहती है। तो उस प्रिंट के हिसाब से पूरा फर्मा निकाला जाता है, फिर कटिंग हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद क्या दिखाएंगे मैम? इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी जी, जहाँ पे ये तो हो गया अपना लेयर का काम, हो गया कटिंग का काम, कटिंग का हो गया, उसके बाद जाएगा मशीन पे। ओके, तो अपना मेकिंग कहाँ पे है वो दिखाना चाहूंगी। बढ़िया, लेकिन काफी बड़ी फैक्ट्री है आपके यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जहाँ पे इनका प्रोडक्ट स्विचिंग वगैरह होता है। मैं कट कैमरा इसके लिए नहीं कर रहा कि आपको दिखा दूँ कि इनकी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। और ये फैक्ट्री साइन में सिचुएटेड है, तो आप आते हैं सीधा मेन जो इनका काम है, स्टिचिंग का काम है। तो ये स्टिचिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पूरा स्टिचिंग रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लेबल वगैरह अपना सब यहाँ पे ही होता है। अच्छा, स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे अपना ही हो जाता, पूरा यहीं पे होता है। अभी मतलब पार्टी वेयर बन रहा है? हाँ, अभी सब पार्टी वेयर बन रहे हैं। 6-in-1 दिखाया था, उसका ही मेकिंग चालू है अभी। अच्छा, 6-in-1 लास्ट वीडियो में जो आपने दिखाया था। हाँ, ये उसका ही मेकिंग है पूरा। बढ़िया, जैकेट कुर्ता वगैरह सब यहीं पे बनेगा। ओके, इसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट? उसके बाद थोड़ा जाएगा धागा कटिंग, फिनिशिंग वगैरह जो भी रहेगा। तो अभी धागा कटिंग वगैरह देख लेते हैं। कटिंग के बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस है फ्यूजिंग। जैसे क्या होता है मैम? ये फ्यूजिंग रहता है जो कफ कॉलर बैंड में जो लगता है। हाँ हाँ। स्टिफनेस के लिए वो यहाँ पे होता है। तो मतलब ये भी आप अपने यहाँ पे फैक्ट्री में कर सब यहाँ पे अपना मशीन है अपने पास, सब यहीं पे होता है। अच्छा। जैसे कुर्ता है, कुर्ते का सामने का जो पट्टी रहता है उसको स्टिफनेस के लिए, स्टिफनेस के लिए फ्यूजिंग वगैरह यूज किया जाता है। तो ये मशीन भी आपके पास ही है? हाँ। तो ये देख सकते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज भी आप बाहर नहीं दे रहे, मतलब सारी चीज आप अपने फैक्ट्री आउटलेट में कर रहे हैं। तो फ्यूजिंग होता कैसे है ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से मशीन में डाला जाता है, फिर यहाँ से वो हीट होने के बाद इस तरीके से ये हार्डनेस बन जाता है, मतलब वो कपड़ा स्टिफ करके उसको चिपक जाता है। यस, बढ़िया, काफी अच्छा है ये। ये देखिए मशीन अच्छी है, एडवांस मशीन है, एडवांस लेवल पे इनका काम भी है। फिर यहाँ पे सब मेकिंग होके माल यहाँ पे आएगा। अच्छा। उसमें धागा कटिंग वगैरह सब फिनिशिंग, माल पूरा चेकिंग होके यहाँ पे, ये आपका टैग इसमें लगा भी हुआ है ना? हाँ, टैग वगैरह सब पूरा चेकिंग होके ही यहाँ पे, मतलब ये सेकंड फिनिश प्रोडक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट वगैरह कैसा बनता है और उसके बाद ये धागा कटिंग वगैरह हो रही है। प्रोडक्ट चेक भी होगा कि कहीं पे कुछ छूट ना जाए, क्योंकि फिर कस्टमर को कैसा रहता है, वो इतना सा चीज के लिए उसको रिटर्न करना पड़ता है। बराबर। तो वो प्रॉपर चेकिंग यहाँ पे होता है जी। मतलब अच्छी चीज है कि मतलब अपने अपना ब्रांड है तो ब्रांड को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद अपना रहेगा प्रेस पैकिंग। ओके, आयरन का अपना कॉर्नर पे रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा टैग वगैरह फिनिशिंग के साथ। और ये पूरा बॉक्स वगैरह भी देखिए। हाँ, यहाँ पे पैकिंग होता है, ये फोटो फ्रेम वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है, पोस्टर सपने, हर मटेरियल के साथ हर आइटम का पोस्टर रहेगा। बढ़िया। और आपका यहाँ पे ये स्त्री डिपार्टमेंट है? हाँ, ये यहाँ पे प्रेस होगा पूरा, यहाँ पे पूरा हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेस होता है। बढ़िया। उसके बाद वो सेक्शन है कि वहाँ पे पैकिंग, वो फाइनल पूरा फाइनल, मतलब फोटो लगने से वो पूरा फाइनल हो जाता है, लास्ट पैकिंग सेक्शन वहीं पे है। बढ़िया। तो पैकिंग के बाद अब बढ़ते सीधा सैंपल की तरफ, क्योंकि पैकिंग तो अभी चालू ही है यहाँ पे। किस तरीके से यहाँ पे बटर पेपर भी अंदर लगाया जाता है, बटर पेपर भी, मतलब ये एक एक चीज के ऊपर ना पैसा जाता है, समझे, वो चीज का ख्याल रखो। ब्रांड है, ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं लोग, ब्रांड बनाए हैं तो ब्रांड के हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं। फोटो फ्रेम है, छोटा सा फ्रेम है, छोटे छोटे कपड़े के अंदर, मतलब एक कस्टमर जब उठाए तो उसको लगना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है। अभी देखिए ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है,
तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, आरआर का ना सस्पेंडर वगैरह का, तो सस्पेंडर का भी यहाँ पे बन चुका है, फोटो अंदर लगा है ताकि व्यूअर्स को समझ में आए और परचेस करने वाले को समझ में आए। अब सीधा सैंपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी फ्रेश माल आया है, यहाँ पे पैकिंग करके रखा हुआ है, मतलब ये बन ही रहा है, बन ही रहा है, उसमें से थोड़ा ही यहाँ पे रखा है, बाकी का पैकिंग पे चालू है। अच्छा, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने दिखाया था 6-in-1 बराबर, इस तरह से पैकिंग होगा। का सेट, ये इसमें एक सेट होता होगा ना, ये इसमें कितना रहता है? 3 सेट रहेगा, एक पाउच में 3 सेट रहेगा, 3 साइज रहेगा। अच्छा, और सिंगल कलर रहेगा, सिंगल कलर रहेगा। हाँ, उसमें पोस्टर दिया गया है, आप कैसे वेयर कर सकते हो वो डिपेंड है सामने वाले पे, लेकिन ये 4 सेट होता है ना ये। हाँ, फिर ये 4 सेट को 6 बार अलग अलग तरीके से वेयर कर सकते हैं। और ये है शेरवानी, ये भी मैंने आपको सैंपल दिखाया था, उसमें भी कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन चालू है, बनते रहता है, माला वगैरह भी साथ में मिलता रहेगा अपने। ये है कुर्ता जो अपना बॉक्स पैकिंग में आता है, बढ़िया डिजाइन। हाँ, और पूरा डिटेलिंग रहेगा और इनका बारकोड लगे रहेगा यहाँ पे, और यही पोस्टर आपको मिलेगा। तो मतलब एक बॉक्स में एक ही कलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साइजेस अलग अलग है, साइजेस अलग अलग है, इसकी वजह से सिंगल कलर ही अपन प्रोवाइड कर रहे हैं सब। बढ़िया, जैसे अगर किसी का बहुत बल्क में, मतलब बल्क में ऑर्डर है, तो मोस्टली अगर बल्क वाला ऑर्डर हम फैक्ट्री से ही आउट करते हैं। अच्छा, देख सकते हो यहाँ पे हमारा पार्सल वगैरह बना हुआ है, हुबली वगैरह, बेंगलोर वगैरह सब जगह पे जाता है, तो बल्क वाला यहीं से आउट करते हैं हम। बढ़िया, मतलब जो छोटे मोटे 15-10 हज़ार की रहेंगे वो आप अपनी दुकान से आउट करते रहेंगे, से हो जाता है। और मोस्टली अगर ज्यादा ही बड़ा ऑर्डर है तो अपन फैक्ट्री से ही आउट करते हैं, फैक्ट्री से आउट कर जाते हैं, तो वो ज्यादा इजी टू ट्रांसपोर्ट भी पड़ जाता है। और ऊपर भी दिखाऊं ना, तो ये देखो ऊपर यार, पूरा उन्होंने एक माले के ऊपर, छोटे से माले के ऊपर इतना ज़्यादा स्टॉक को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मैं एक व्यूवर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यूवर्स एक बार इनसे जुड़िएगा, और अगर आप ब्रांड में डील करना चाहते हैं, क्वालिटी में डील करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम है। टफ फॉर जूनियर काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है आप लोगों के लिए, तो एक बार इनसे ज़रूर जुड़ना। और डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ एक बार फैक्ट्री दिखाया, इसमें कोई सैंपल वगैरह हमने नहीं दिखाया, क्योंकि सैंपल दिखाना जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो ही बन जाएगी और उनके पास सैंपल्स की कमी भी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक यही अंदाज़ा लगा कि मैं एक बार यहाँ पर विजिट किया हूँ, कि एक बार फैक्ट्री देखिए, जेन्युइन पर्सन है, ब्रांड में काम करें, खुद का ब्रांड है, रजिस्टर ब्रांड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख लें, रजिस्टर ब्रांड के साथ में है, तो एक बार जुड़िएगा, आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा और अच्छे व्यापारी हैं और अच्छा काउंटर रखना चाहते हैं, तो एक बार इसे जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।